सो गैस, अगर आप लोग का यूट्यूब से यूट्यूब पे फर्स्ट पेमेंट आता है तो उस कंडीशन में हम लोग को बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। हम लोग को पेमेंट जो है यूट्यूब से भेज देता है लेकिन हम लोग को बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आता है। हम लोग को गूगल एडसन अकाउंट में भी जीरो बैलेंस हो जाता है लेकिन हम लोग को पेमेंट जो होता है हम लोग को बैंक अकाउंट में नहीं आता है। तो इन कंडीशन में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सारा प्रोसेस बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर एंड तक देखना, तभी आप लोग सीख पाएंगे एंड समझ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे यूट्यूब से जो हम लोग पेमेंट आता है ना, तो हम लोग को कितने दिनों में आता है, कितने तारीख हम लोग को यूट्यूब पेमेंट जो हम लोग बैंक अकाउंट में आ जाता है, इसमें आप लोग वही बताऊंगा। तो वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई का एक यहाँ पे चेक की और रिसेंट पेमेंट करके कुछ ऑप्शन यहाँ पे देखने मिला है कि भाई का जो पेमेंट था यूट्यूब ने अपने बैंक अकाउंट में भेज दिया लेकिन अभी तक इसका बैंक अकाउंट में नहीं आया, क्यों नहीं आया, सारा कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग बता दूं कि मेरा भी यूट्यूब से पेमेंट आने वाला है जो कि यही 21 तारीख को यूट्यूब जो पेमेंट हम लोग को भेज देगा। बाकी बात देखो कि यहाँ पे आपका पेमेंट जो रहेगा ना यूट्यूब भेज देगा लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आपका जीरो बैलेंस हो जाएगा लेकिन आपका बैंक अकाउंट में पैसा नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा, कैसे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरा अभी यहाँ पे पेमेंट यूट्यूब ने नहीं भेजा है क्योंकि यूट्यूब से जो भी पेमेंट आता है हम लोग को, तो 21 तारीख जो होता है ना लास्ट, यानी कि जो भी मंथ में आपका 10 तारीख को आपका गूगल एडसन अकाउंट पे, जो भी 9 से 10 तारीख को आपका गूगल एडसन अकाउंट में $100 कंप्लीट हो जाता है, तो उसी 21 तारीख को, उसी मंथ में 21 तारीख को यूट्यूब जो हम लोग को पैसा होता है ना बैंक अकाउंट में भेज देता है। लेकिन बैंक अकाउंट भेजने के बाद हम लोग को पेमेंट कितना तारीख हम लोग को बैंक अकाउंट में आता है, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं यूट्यूब जो होता है 21 तारीख को हम लोग पेमेंट यूट्यूब जो है भेज देता है हम लोग को बैंक अकाउंट में, ठीक है। लेकिन वही पेमेंट हम लोग को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट होने के लिए $US से हम लोग को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पे 2-4 दिन टाइम लगता है। यानी कि अगर आपका 21 तारीख को पेमेंट भेजता है तो आपका जो यहाँ पे आपका मतलब पेमेंट जो होगा ना वो आपका 24 से 25 तारीख आपको बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं भाई कि यहाँ पे यूट्यूब पे अगर आप चैनल है, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो, यूट्यूब से आपका पैसा आता है, तो मैं सबसे बेस्ट बोलूंगा तो भाई SBI का बैंक अकाउंट है, SBI बैंक अकाउंट आप यूज़ करो। SBI का जो बैंक अकाउंट रहता है वो आपका 24 से 25 तारीख के अंदर ही आपका बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अदर बैंक दूसरा कोई रहेगा तो 25, 26, 27, 28 तारीख कोई लिमिट नहीं होता कब आपका पेमेंट आएगा नहीं आएगा, बहुत दिन टाइम लग जाता है। लेकिन SBI का अकाउंट है तो उसमें 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका 24 से 25 तारीख आपका बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरा SBI का अकाउंट मैंने यहाँ पे डाला था, पहले मैं भी डाला था बैंक ऑफ इंडिया का, लेकिन मैंने अब क्या किया उसे मैंने SBI अकाउंट डाल दिया। यहाँ पे क्या हुआ कि SBI का अकाउंट है तो यहाँ पे पेमेंट बहुत जल्दी आ जाता है। बाकी बात पेमेंट आप लोग जल्दी चाहिए नहीं चाहिए आप लोगों पर डिपेंड करता है, आप जो भी बैंक डालना चाहते हो जो भी बैंक अकाउंट आपका है वो डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि भाई यहाँ पे बोल रहा है भाई मेरा बैंक अकाउंट में पैसा अभी तक आया नहीं है, मेरा पेमेंट जो है गूगल एडसन अकाउंट से यहाँ पे कट गया। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आपका यूट्यूब पेमेंट यूट्यूब से फर्स्ट बार अगर आपका पेमेंट आता है, ठीक है, तो जो भी बैंक अकाउंट आप डाले हो, जो भी मतलब बैंक का यहाँ पे आप ऐड किए हो, भाई का बैंक था यहाँ पे कौन सा है भाई का बैंक यहाँ पे IDFC मतलब कुछ बैंक है भाई का, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ अगर आपका बैंक में यानी कि आपका भी इस तरह से प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, आपका पेमेंट कट गया है और जो यहाँ पे भाई का कितना तारीख हो गया, बहुत दिन हो गया भाई का, यानी 9 दिन इधर ज़्यादा हो गया, मतलब कि कितना तारीख को यहाँ पे हो गया था, तो यहाँ पे मतलब भाई का जो पेमेंट है ना यहाँ पे मतलब नहीं आया, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे 21 तारीख को यूट्यूब पेमेंट भेजता है, 21 तारीख भेजने के बाद 25 तारीख 26 तारीख 27 28 तक वेट करना आपका पेमेंट आ जाएगा। अगर नहीं आता है और आपके पास कुछ यहाँ पे कॉन्टैक्ट यूअर ब्रांच करके कुछ अगर आपके जो भी बैंक अकाउंट में आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उसमें मैसेज आएगा कॉन्टैक्ट यूअर ब्रांच, यानी कि आपको बोलेगा भाई ब्रांच से जाकर कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। तो यूट्यूब से फर्स्ट बार पेमेंट आता है ना तो आपको यूट्यूब पे पेमेंट जो भी फर्स्ट बार आता है तो उस टाइम आपको जो है बैंक में जाकर बात करना होता है, बैंक ब्रांच मैनेजर से बात करना होता है, सर मेरा यूट्यूब पे काम करता हूँ, यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ और YouTube से मेरा $ में पैसा आता है, तो पैसा मेरा आया है तो प्लीज़ चेक कीजिए कि आया है या नहीं आया, क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ पे बताएगा कि भाई यहाँ पे फॉर्म करके कुछ फॉर्म भरना पड़ता है बैंक में जाकर, वहाँ पे कुछ आपको डिटेल्स देना होता है, वहाँ पे बताना होता है पेमेंट आपका क्यों आ रहा है YouTube से, मतलब आपको पैसा कौन भेजा नहीं भेजा कैसे आ रहा है क्या काम करते हो नहीं करते हो सारा कुछ पूछेगा। उसके बाद जो आपका पेमेंट रहेगा 1 से 2 दिन में आ जाएगा, अगर आपका बैंक अकाउंट में आपका पैन कार्ड लिंक रहेगा तो 1 से 2 दिन में आ जाएगा, अगर लिंक नहीं रहेगा तो यहाँ पे 2-3 दिन 4 दिन टाइम लगता है, तो आपका पेमेंट जो रहेगा आपका बैंक अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो यही कुछ यहाँ पे प्रोसेस करना होता है। अगर वही आप SBI अकाउंट का देते हो ना तो आपको कुछ भी झंझट नहीं, मतलब कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप सिर्फ बैंक अकाउंट लिंक कर दो, आपको 21 तारीख को यूट्यूब पेमेंट भेजेगा, 25 तारीख तक आपका पेमेंट जो है बैंक अकाउंट में आ जाएगा। वही अगर अदर दूसरा बैंक रहेगा तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, आपको वहाँ पे पेमेंट आने में टाइम लगता है, आपको बैंक भी जाने की जरूरत पड़ सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि SBI बैंक अकाउंट आप लोग डाल देना, उसके बाद आपको SBI बैंक अकाउंट आप डाल देते हो ना तो वहाँ पे पेमेंट आपको बहुत जल्द आ जाएगा, आपको कुछ भी कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि SBI का बैंक अकाउंट डाल लेना, आपको जो भी बैंक आपको अच्छा लगता है भाई आप डालो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा था क्योंकि यहाँ पे मैंने भी SBI अकाउंट का यहाँ पे मैंने यूज़ किया, मैंने भी यहाँ पे SBI अकाउंट ही बैंक मैंने डाला है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बैंक ऑफ इंडिया डाला था, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो ये ऊपर है SBI वाला, ये प्राइमरी ओनर मैंने प्राइमरी बना दिया है, ये सिर्फ नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो बैंक ऑफ इंडिया मैंने हटा दिया, सिर्फ यहाँ पे मैंने SBI अकाउंट को रखा है, ठीक है। तो आप लोगों को जो भी डिपेंड करता है आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी बैंक अकाउंट आप ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग को यूट्यूब से पेमेंट कितना दिन में आता है, कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि 21 तारीख को यूट्यूब पेमेंट भेजेगा, आपको अगर कॉन्टैक्ट यूअर ब्रांच का ऑप्शन प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो वहाँ पे
जाकर ब्रांच से मिल लीजिएगा ना, अगर जब तक नहीं जाओगे तब तक वो पेमेंट कभी भी बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई, और पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्योंकि भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों कोई सवाल, कोई भी क्वेश्चन हो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आप लोग बहुत जल्द रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है।